तो उनको भी कोई ले राइटर ने उनको सिखाया। रानू मंडल का नाम आज कौन नहीं जानता। पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशनों और रानाघाट की गलियों में घूम घूम कर गाना गाकर किसी तरह पेट पालने वाली 60 साल की रानू मंडल को एक वीडियो ने रातों रात इंटरनेट पर स्टार बना दिया था। लता मंगेशकर के गाने को अपनी आवाज में गाकर रानू इतनी फेमस हुई कि फेमस सिंगर और म्यूजिक कंपोजर हिमेश रेशमिया ने खुद अपनी फिल्म में उन्हें बॉलीवुड में बतौर प्लेबैक सिंगर पहला ब्रेक दे डाला। वहीं अब कुछ ऐसा हो गया कि हिमेश रेशमिया उसी रानू मंडल पर सवाल सुनते ही नाराज हो गए। दरअसल हिमेश मुंबई के एक इवेंट में लाइव परफॉर्मेंस देने के लिए पहुंचे थे और उसी समय उनसे वहां मौजूद मीडिया ने रानू को लेकर सवाल किया तो हिमेश तुरंत बोल पड़े कि मैं उनका मैनेजर नहीं हूँ, जो आप उनके बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। मुझसे आप क्यों पूछ रही हैं ये सवाल? मैं उनका मैनेजर तो हूँ नहीं। हिमेश ने कहा कि मैंने इंडस्ट्री में सिर्फ रानू को ही ब्रेक नहीं दिया बल्कि कई सारे स्टार्स को दिया है, जैसे आर्यन, दर्शन, सेनन, पलक, मुच्छल। बहुत से नए नए लोगों को मैं, लुटेरी नाम का ही गाना है जिसमें मैंने यहाँ पर आर्यन को ब्रेक दिया है, इसमें और कुमार शानू जी की डॉटर है शैनन के, उसको टिकटॉक में ब्रेक दिया है, या दर्शन को मैंने पिच मेरी फोटो में दिया था, पलक को प्रेम रतन में दिया था। तो आई ऑलवेज कीप लुकिंग आउट फॉर गुड सिंगर्स हु सूट माय कंपोजिशन। हालांकि हिमेश ने रानू की तारीफ भी की। हिमेश से जब पूछा गया कि क्या रानू आपके किसी आने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकती हैं, इस पर हिमेश ने कहा कि उनका गाना काफ़ी बढ़िया है, मैं कई और म्यूजिक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से बात करूंगा कि रानू को इंडस्ट्री में काम मिले क्योंकि उनकी आवाज काफ़ी शानदार है। इसके अलावा हिमेश ने रानू की ट्रोलिंग पर भी रिएक्शन दिया। हिमेश ने इस सवाल के जवाब में कहा कि बीते काफी समय से मेरी कोई ट्रोलिंग नहीं हुई है। रानू की सेल्फी वीडियो वाली ट्रोलिंग के बारे में मैं जानता हूं, लेकिन इस पर आप मुझसे कुछ नहीं पूछें बल्कि रानू से जाकर जवाब मांगे। बता दें कि हिमेश रानू के उस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें रानू एक महिला फैन पर इसलिए भड़क गई थी क्योंकि उसने रानू को कंधे पर हाथ रख कर उनके साथ सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट की थी। रानू जी के लिए मैं जानता हूँ जो आप पूछना चाहती है, बिकॉज वो सेल्फी वाला जो इंसिडेंट हो गया था, तो मुझे इसमें यही लगता है कि एक्चुअली मुझसे आप क्यों पूछ रही हैं ये सवाल, बिकॉज ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, बट मीडिया उनसे नहीं पूछ रही है। मीडिया, मैं कब से जानना चाह रहा हूँ कि मीडिया को उनका एक कोट लेना चाहिए कि वाई डिड दैट सेल्फी वाला इंसिडेंट एक्चुअली हैपन, बिकॉज मैंने तो देखा था, तो मुझे बट इट्स मैंने उनको अपने शो सुपरस्टार सिंगर में देखा, मेरी फिल्म हैप्पी आर्टी हीर में मुझे एक लता जी की तरह एक डिवाइन कनेक्ट लव स्टोरी को कनेक्ट करने वाली आवाज़ चाहिए थी, उस गाने में मैंने उनको ब्रेक दिया, वो इंस्टाग्राम पे मेरे मैंने पोस्ट किया, वो वायरल हो गया, वो गाने सारे बहुत पॉपुलर हो गए। उसके बाद ये जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका मेरा एक्चुअली तो कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि उनका कोट प्लीज़ लीजिए आप, कि उनका वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उसकी बैक स्टोरी क्या है कि ऐसा उन्होंने बिहेव अगर किया तो क्यों किया, तो कहीं ना कहीं आई थिंक उनसे पूछना। तो ऐसी एंटरटेनमेंट की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आज की खबर को जरूर सब्सक्राइब करें।